अब हम दर्शकों चर्चा करेंगे शशि जी के साथ आपके बेड को लेकर। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जीवन में जो तनाव है उसका कारण आपका बेड हो। इसी खास विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, अहम जानकारी आज हम हासिल करने जा रहे हैं शशि जी से। दर्शकों आज विशेष बात बताने जा रहे हैं, जीवन से जुड़ी हुई है और ये है आपका बेड, शैया। शैया का मनुष्य जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग अपने जीवन का 2/3 हिस्सा शयन कक्ष में ही बिता देते हैं। योग शास्त्र में भी निद्रा की अवधि और अवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। जागृत अवस्था होती है, स्वप्न अवस्था होती है, सुषुप्ति, तुरी, ये 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। इसलिए निद्रा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्यक्ति का लगभग आधा जीवन निद्रा में ही बीतता है। बिस्तर यानी बेड और मनुष्य का चोली दामन का साथ है। जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी के साथ शैया जुड़ी हुई है। यदि नींद अच्छी आएगी तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और नींद का अच्छा आना आपके बेड से जुड़ा हुआ है। वास्तु ग्रंथों में सोने की दिशा से लेकर बेड को अत्यंत वैज्ञानिक तरीके से बनाने तक का प्रावधान है। और ये तो आपको पता ही होगा कि व्यक्ति को दक्षिण की ओर सिर करके सोना चाहिए, यानी दक्षिण की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। पुराने जमाने में लकड़ी के बेड का ही प्रयोग किया जाता था। सामान्य रूप से चारपाई या खटिया का प्रयोग किया जाता था। इसी को इम्प्रूव करके तखत होता था। शाही परिवार लोग सुसज्जित शैया यूज़ करते थे जिसको खटोला कहते थे। वास्तु ग्रंथों में बेड के निर्माण में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाए, यह किस माप का हो, बेड किस प्रकार से सोना चाहिए, ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। किंतु अब बदलते युग में शैया के वास्तु शास्त्रीय महत्व में बहुत कमी आ गई। आजकल तो लोहे के बेड भी मार्केट में उपलब्ध हैं। लकड़ी से ज़्यादा मेटल के बेड लोग लेने लगे हैं जो कि शास्त्रोक्त नहीं है। दर्शकों पहले घरों में खटिया और संदूक अलग अलग होता था जिसमें सामान रखते थे और खटिया होती थी। लेकिन समय बदला, जगह कम हो गई तो जो बेड के नीचे संदूक आ गया, यानी स्टोरेज बेड बनने लगे। अब निद्रा लेते समय संदूक में रखा हुआ जो सामान है वो अप्रत्यक्ष रूप से आपके चित्त पर असर डालेगा ही। लोगों ने उसमें जूते, चप्पल, आज जो काम की चीज़ें नहीं हैं वर्तमान समय में अनुपयोगी वस्तुओं को रखने लगे तो उसको एक रखने का स्थान बना लिया। इलेक्ट्रॉनिक सामान रखने लगे, बर्तन रखने लगे, धारदार चीज़ें, क्रॉकरी, कई सामान रखने लगे। इसमें केवल ये नोट कर लीजिए, ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही तनाव देते हैं। इसमें केवल आप बेड के ही उपयोग आने वाली चीज़ें रखिए, रजाई, गद्दा, चादर, तकिया, यही सब रखिए, वो भी धुले। वास्तु बेड बनाने में 16 वर्ष से लेके और 150 वर्ष की आयु के वृक्ष की लकड़ियों का उपयोग करने को बताता है। शीशम की लकड़ी की आयु 300 वर्ष होती है। बबूल और इमली की लकड़ी में निगेटिव एनर्जी खींचने की शक्ति बहुत होती है, भूत प्रेत की बाधा आ जाती है। इसकी लकड़ी में से अगर पलंग बने तो मानसिक रूप से अशांति हो जाती है, एक उद्योग हो जाता है और मन बहुत अशांत हो जाता है। इसलिए इसको पूरी तरह शास्त्र ने वर्जित किया है।